उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। आप कह रही मैं अभी भी टेंशन ना लूं। दो चार रोज के अंदर निकाह है, शादी है और शहीर ने मना कर दिया, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? सुनो, अब तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाई, तबीयत ठीक है आपकी? परेशान लग रहे हैं आप। ये लड़की मेरी जान के दर पे है, देख लेना एक दिन मैं दिल का मरीज बन जाऊंगा इसकी वजह से। कौन, हानिया? वो तो चली नहीं गई। अरे कहां चली गई, इतनी आसानी से चली जाएगी? सारी रात छुपी बैठी रही है और जब मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा कल के बारे में, तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें शहीद से बात करनी है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तुम घर में करो ना, रुबीना के घर जाकर ये बात करने की क्या जरूरत थी? बस मुझसे बहस करने शुरू हो गई। मैंने कहा आपकी सोच गलत है और ऊपर से शहीद को फोन मिला दिया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना तो पता है शहीद क्या कह रहा था? कह रहा था आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपको कौन क्या कह सकता है। तो बाबा आपको शहीर को भी समझाना चाहिए था ना, उसका भी तो कसूर है। हाँ मानता हूँ मैं शहीर की गलती है, लेकिन उसको तो वरगलाया गया है, बदगुमान किया गया है, इसलिए मैंने आज इस फसाद की जड़ को खत्म ही कर दिया। क्या मतलब बाबा? मैंने उससे कहा अपनी हरकतें सुधारो वरना यह घर छोड़ दो। फौरन निकल के चली गई। कैसे मतलब अकेले चली गई? तो क्या मैं छोड़कर आता उसको? नहीं बाबा, छोड़कर आने की बात नहीं, आप खुद सोचिए वो इस हालत में अपने घर पहुंचेगी, वहां शहजीन रहती, वहां जाकर ये सब कुछ बताएगी तो शहजीन की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़े। तो क्या पैर पकड़ लेता मैं उसके? बात ये नहीं है बाबा। बाबा आप उसके घर वालों को बुलाते, उन्हें सामने बिठाते, उन्हें ही हरकतें बताते ताकि वो भी कुछ रियलाइज करते, इस तरह तो सारी बात हम लोगों पर आ जाएगी। बात तो तुम ठीक कर रहे हो हाजर, मुझसे गलती हो गई। इस वक्त गई है वो बाबा? अभी गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ, रोकता हूँ। ताया अबू ने उसे धक्के देके बाहर निकाल दिए अम्मी, बाकी धक्के मारकर। और वो क्या कह रही थी? कहना क्या है उसने? हाथ जोड़कर माफिया मांग रही थी, पैरों में गिर के रोने लगी, कहने लगी ताया अबू मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से मत निकाले और पता नहीं क्या क्या। आपने मेरी खुशियां मुझसे छीन कर इसकी खुशियां खरीदी हैं। अब देखिएगा ये नाजी भी कभी खुश नहीं रहेगी। क्या हो गया तुझे नूरी, इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही है? बदवा दे रही है, बहन को शर्म नहीं आती तुझे? और वैसे भी जो इंसान की किस्मत में होता है ना उसे वही मिलता है। अगर शहीद तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। कैसे मिल जाएगा, इतनी घटिया साजिशें जो चली हैं आप लोगों ने उसके खिलाफ। बात सुनो, जिन्हें तुम घटिया साजिशें कह रही हो ना, इसमें तुम हमारे साथ शामिल हो। मैं शरीक थी, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, मुझे क्या पता था कि मैं अपने लिए गड़ा खोद रही हूँ। क्यों इतनी टेंशन ले रही है, है? हानिया दफा हो गई है इस घर से, भाई साहब आप शहीद को मना लेंगे देखना ना, क्योंकि आप शहीद के कान में कोई जहर नहीं उगल रहा। बस कर दे अम्मी, बस कर दे, आप मत दे मुझे के झूठे ला रहे आप, कुछ असर नहीं करता है मुझ पे। देख रही है, इससे मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हो। बकवास बंद कर, बिल्कुल ठीक कह रही है जो भी कह रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ शहीद पे इल्जाम तेरी वजह से लगाया, तुझे मदद करने के लिए। अगर तू इतनी बेसब्री ना होती, थोड़ा सा सब्र कर लेती, उसकी शादी हो जाती तो आज ये हालत नहीं होती। अजर बेटा कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला बाबा, कहीं नहीं मिली, कॉल्स कर रहा हूँ रिसीव भी नहीं कर रही। अच्छा, उसके पास तो पैसे भी नहीं है कि कोई सवारी कर ले, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? क्या मतलब?
पर्स नहीं लेके गई वो अपना? नहीं, जब वो जा रही थी तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी, गेट पे आवाज दी, लेकिन वो रुकी नहीं। गौर से नहीं देखा कि उसके पास कुछ है हाथ में या नहीं है। बहुत गलत हो गया मामा, अगर उस बेचारी के पास पैसे नहीं थे वो अपने घर तक कैसे पहुंचेगी? घर तो दूर है उसका। अरे बेटा हजर, परेशान मत हो, रिक्शा कर लेगी, वो कोई नन्ही बच्ची तो नहीं है, शादी से पहले खासी घूमी फिरी है, पहुंच जाएगी घर। बात तो परेशानी की है ना बाबा। सब खैरियत? भाभी किधर? हानिया पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी देखने गया था, इसको भी नहीं मिली। चली गई? ये क्यों नहीं कहता कि आपने निकाला है उन्हें जबरदस्ती? वो बाबा जान वो तो नहीं जाने जा रही थी, वरना मुझे फोन क्यों करती? आप बकवास कर रहे हो तुम, भाई मैं क्यों निकालूंगा भला उसको? हाँ मैंने गुस्से में जरूर उसको कहा था कि निकल जाओ घर से, इसका ये मतलब थोड़ी है कि निकल जाए आदमी। आजर फोन यहीं छोड़ गई, शहीद से क्यों कॉल कर रहा है? भाभी किधर हैं आप? मुझे बुला लिया था तो थोड़ा इंतजार कर ली थी, किधर चली गई है? फोन क्यों काट दी? खैरियत से घर पहुंच जाए। क्या हुआ? आपने फिर पुराना वाला परफ्यूम लगाया? कितनी बार कहा है कि जो परफ्यूम मुझे पसंद है सिर्फ वो लगाया करें। सॉरी। अच्छा बस बस बस। मैं चाहती हूँ कि ये खुशबू रात तक आपको मेरी याद दिलाती रहे। मैं तो आपके साथ जा नहीं सकती, लेकिन ये खुशबू मेरी याद बनकर आपके साथ रात भर रहे। खुशबू की क्या जरूरत है? दिल की धड़कन की तरह हमेशा मेरे साथ रहती है, लेकिन अच्छा किया, अब जब भी मैं खुशबू लगाऊंगा तो मुझे हमेशा याद आऊंगी। हाँ सर, आप मेरी सांसों में रहते हैं, अगर आप मुझसे जुदा हो गए तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं और तुम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी भी नहीं। मैं जाऊं या बाय? मुझसे बेवफाई करते हुए तुम्हारी सांसें नहीं रुकी, मेरी जगह किसी और को देते हुए तुम्हारी सांसें नहीं रुकी, और आज खुद मुझसे दूर जाते हुए तुम्हारी सांसें नहीं रुकी, इसलिए कि सारे वादे और दावे झूठे थे तुम्हारे। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने
मन न बने कशकाल बेमूल वफा वो हानिया की तबीयत कैसी है? हानिया को क्या होगा, ठीक ही होगी। अपने कमरे में है? नहीं, अपने घर चली गई। अच्छा, खैर खाना मैंने दोपहर में बना दिया था, अब गरम गरम रोटियां डाल ली, आप लोग खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, बाजार से रोटी मंगा लेंगे। ऐसे कैसे तायबू, मेरे होते हुए रोटियां बाहर से आएंगे? नहीं ठीक है बेटा, बना दो, जीती रहो। बाबा जान, आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया मैंने भाई? को भाभी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो शहजीन का ससुराल है बाबा जान। क्या शहजीन का ससुराल है? शहजीन का ससुराल ब्लैकमेल करते रहते हो मुझे हर वक्त। शहजीन का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हानिया तो मुंह काला करके गई है इस घर से, लेकिन मेरी बेटी शहजीन ऐसी नहीं है कि हानिया का गंध उस पे डाल दिया जाए, और अगर डालेंगे तो अपनी बेटी के करतूत भी सुनने पड़ेंगे उन्हें। बाबा जान, इसका मतलब है कि ये मनगढ़ंत कहानियां भाभी के घर वालों को भी सुनाएंगे, वहां भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे मुझे। जो सच है वो है, और इसमें तुम्हें घबराने की और शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? जिसने किया है वो भुगतेगा। समझ क्यों नहीं रहे हैं, जब जब भाभी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाएगा तो मैं भी कसूरवार ठहराया जाऊंगा ना। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, वरना मेरी औलाद की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है और ना ही मेरा खून गंदा है। आज किस खुशी में मेरे लिए कॉफी बनाई गई है? वैसे भाई हमें आप पे प्यार आ रहा था, तो हमने कहा बेगम साहिबा को अच्छी सी कॉफी बना के पिलाएं। ठीक है, बताइए कैसी है? बहुत जबरदस्त। वैसे आपसे अच्छी कॉफी तो कोई बना ही नहीं सकता। Well, I'll take it as a compliment. Thank you. क्या सोच रही थी? मैं हानिया के बारे में सोच रही थी हैदर। इतने दिन उसे आई नहीं है घर, उसे बहुत मिस कर रही हूँ। अब आप क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी आज नहीं तो कल हमसे मिलने आ जाएगी, लेकिन तुम उस वक्त क्या करोगी जब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ हमेशा? है तो प्लीज मुझसे ऐसी फजूल बातें ना किया करें आप। मेरे करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है, ये दुनियावी हकीकत तो है ना। हैदर, प्लीज मुझसे ऐसी फजूल बातें ना किया करें आप। अच्छा अच्छा, कॉफी पियो। मैं नहीं पी रही कॉफी। अरे पी लो ना। आइंदा मत कीजिएगा ऐसी बात। शहजीन फोन नहीं उठा रही, अल्लाह खैर करे। पता नहीं भाभी कैसे पहुंची होगी घर, रात का वक्त है और अकेली चली गई। बाकी खुद गई हैं या भाभा जान ने निकाला है?
नहीं, बाबा जान इतने भी जालिम नहीं हो सकते कि उन्हें घर से निकाल। क्या करूं, कैसे मालूम करूं? शहीर, खाना खा लो, मैंने लगा दिया। भूख नहीं है मुझे। खाने से किस बात की नाराजगी भाई? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है? खाना खाऊं ना खाऊं, भूखा रहूं, मेरी मर्जी। तुम ही तो मेरे भाई हो, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? किसी का भाई भाई नहीं। और प्लीज मेरे कमरे में दोबारा मत आइए, जाइए यहाँ से। ताया बू ने कहा था इसीलिए आई, चलकर खाना खा। तो बता दीजिए अपने ताया जान को कि मैंने खाना नहीं खाना। दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। अपनी चहेती भाभी के जाने का गम मना रहा है बेचारा। अब नहीं खाना खाना तो मत खाए, बाहर में जाए। मैं आपको अंदर से कराए भेजती हूँ। ऐसे जी मेरे बेटा, आप आइए। बीबी जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं बीबी जी? बड़ी मैम साहब, साहब जी, बड़ी मैम साहब जल्दी आ जाइए, छोटी बीबी बेहोश हो गई है। आनिया, बड़ी मैम साहब, आनिया, भाभी, आनिया क्या हुआ? आनिया, रहमान हुआ क्या था? रिक्शे वाला आया, उनको किराया देने के लिए कहा, मैं उनको किराया देने यहाँ पे बेहोश हो गई। आनिया, मेरा वॉलेट लेके आओ, मामा इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लो नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बस चाय पी के ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो गया। नाश्ता किए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और हाँ, लेट तो मैं भी हो गई हूँ क्योंकि ताया अबू उधर है, इसीलिए पहले उन्हें नाश्ता बना कर दिया। बाबा तुम्हारी तरफ है? हाँ, अब तक तो बैठ के बातें कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता वो कर चुके हैं। अब जल्दी से तुम भी कर लो। इतना इसरार कर रही हूँ। शहीद, नाश्ता कर लो, गरम गरम है, आ जाओ। मेरी खातिरदारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जिनको है उनकी करे। तुम्हारी खातिरदारी करने वाली तो चली गई है, जाहिर है उसके बाद तुम्हें बाकी सब बुरे लगेंगे। जाहिर, इसमें कोई शक भी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत, मेरे सामने खड़े होकर मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? अपने दिमाग की गंदगी मुझ पर न डालें। कौन कैसा है ये वक्त बताए? बकवास बंद करो अपनी। तो क्या कर लेंगे? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हें। मेरे भी हाथ है, मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ बैठी हो,
मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस साफ सफाई कर रही थी, बहुत धूल मिट्टी जम गई है। तुम क्या हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो, जब देखो काम काम। क्योंकि मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी करके इसलिए इस घर में नहीं लेकर आया था कि तुम घर के कामों में लगी रहो हर वक्त मुलाजमा की तरह। अपने घर के काम करने से कोई मुलाजमा नहीं बन जाता। अच्छा छोड़ो सबको, आओ नाश्ता करो, नाजी ने नाश्ता लगा दिया। हाँ नाश्ता तो मैं बनाकर आई थी, उसे कहा था लगा दे, लगा दिया है ना। क्या मतलब, नाश्ता भी तुमने बनाया? हाँ क्यों नहीं, इस तरह तो तुम नाजी और नूरी की आदतें बिगाड़ दोगी। ये बातें कर रहे हैं आप, घर में मेहमान है, वो तो रुख्सत होके चली जाएंगी, और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही निभानी है, तो अभी से क्यों नहीं। अच्छा आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मैं कर लूंगी, आप छोड़ दिए। मैं कर लूंगी, छोड़ आओ, चलो नाश्ता करें। अरे होते रहेंगे काम, आ जाओ। पता नहीं भाभी की ये हालत कैसे हुई, वो तो बरसों की बीमार लग रही हैं। या अल्लाह रहम कर और उन्हें होश आ जाए, और मैं जो कुछ सोच रही हूँ सब गलत हो, सब। होश क्यों नहीं आ रहा हानिया? अगर उसे कुछ भी हो गया तो मामा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम तो पहले ही बाबा का गम इतना ताजा है। डॉक्टर्स ने कहा है ना वो खतरे से बाहर है, देखिएगा उसे बहुत जल्द होश भी आ जाएगा। आप परेशान मत हों। डॉक्टर हानिया की कैसी तबीयत है? उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, उम्मीद है थोड़ी देर में मुकम्मल होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर वो बेहोश हुई क्यों थी, वजह क्या है? गिजा की कमी और स्ट्रेस, इनका मैदा बिल्कुल खाली था, इन्होंने लगता है 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, और ये किसी बात का स्ट्रेस भी ले रही है। ये कैसे हो सकता है? आपने मुझसे वजह पूछी और मैंने आपको बता दी। वैसे मैंने कुछ ताकत के इंजेक्शन तो दे रहे हैं ड्रिप के जरिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इन्हें मुकम्मल होश आ जाएगा। लेकिन कोई खतरे की बात तो नहीं है? अभी तक तो सब ठीक है, वैसे इन्हें इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, मगर होश आने के बाद ही मिले डिस्चार्ज करेंगे। थैंक यू। वेलकम। मामा। जी मामा। हाँ बेटा, वो हानिया को होश आया? मामा मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि खसरे की बात नहीं है, होश आ जाएगा। आज़र को कॉल की तुमने? नहीं, इतनी परेशानी में मुझे याद ही नहीं रहा, घर आके कर दूंगा कॉल। ओके मामा, बाय। अल्लाह हाफिज़। फ़ज़ीन, कल रात से हानिया यहाँ पर है और तुम्हारे घर से किसी का फोन नहीं आया, वहाँ सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत ही होगी, वो शादी की तैयारियों में सब मसरूफ है ना, भाभी ने भी काम का कुछ ज्यादा ही लोड ले लिया होगा इसलिए उनकी ये हालत हो गई है। तुम परेशान में तो सब ठीक है। लेकिन मुझे तो कोई और ही मामला लग रहा है, या फिर हो सकता है उसकी आज़र से लड़ाई हो गई हो जिसकी वजह से वो इस तरह के लिए आ गई। अब नहीं, मुझे नहीं लगता हमार, आप परेशान मत हो। रुबीना देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे बच्चे मेरे बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते, शहीर भी वही करेगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन कब भाई से? शादी की तारीख में 2 दिन रह गए, मैंने अपने जानने वालों को बुलाया, आमिर ने अपने दोस्तों को, क्या कहेंगे हम उन सब? रुबीना तुम परेशान मत हो, अब हानिया उस घर में नहीं है, हानिया जा चुकी है, शहीर तो वही कर रहा था ना जो हानिया कह रही थी, अब शहीर को वो करना होगा जो मैं चाहूंगा। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो,
मेरी नूरी तो रो रो कर हलकान हो गई है। तुमसे कह रहा हूं तुम फिक्र मत करो, नूरी और नाजी अब दोनों मेरी बहुएं बनेंगी। क्या कहा आवाज है? वही जो तुमने सुना, मैं आजर की दूसरी शादी कराऊंगा। हाँ, अगर तुम और नाजी राजी हो जाओ। राजी है? आपका हुक्म सर, आंखों पर। तो फिर थोड़ा सबर करो, मैं आजर से बात करूंगा और फिर दोनों शादियां एक साथ करूंगा। भाई साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों नाजी और नूरी आपकी अमानत है, आपका जब दिल चाहे आप ले जाइएगा। मैं आपके लिए चार नमक पारे ला। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस तुम परेशान मत होना। शुक्रिया भाई साहब। हेजीन का भी फोन बंद है, भाभी का भी बंद है, किससे पूछूं भाभी का हाल? क्यों आई हो यहां? शहीर, गुस्सा थोक दो ना प्लीज। तुम पर गुस्सा नहीं है मुझे नूरी, पता है जो लोग अपनी सारी कुवतें दूसरों को बर्बाद करने में लगा देना, बड़े काबिल रहम होते, क्योंकि वो नहीं जानते कि कांटे बो के कभी फूल नहीं पा सकते। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो उस दिन जो अपने करतूत बता रही थी वो क्या था? लेकिन वो सब कुछ तो नाजी और बस कर दो नूरी, मेरा वक्त बर्बाद ना करो, जाओ यहां से। जितना मुझे पता है बहुत है मेरे लिए, किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं है, चलो निकलो। शहीद, ठीक है, मैं मान रही हूं मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती नूरी, किसी की जिंदगी तबाह हो गई, घर उजड़ गया, इसको तुम गलती कह रही हो? नूरी, तुमने गुनाह किया है, गुनाह। निकलो यहां से यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, प्लीज। ठीक, गुनाह ही सही, लेकिन तुम तो माफ कर सकते हो ना, तुम तो इतना प्यार करते हो मुझसे। प्यार करने वाले तो बड़ी से बड़ी खता को भी माफ करते हैं। मुझसे गलती हो गई नूरी कि मैंने तुमसे प्यार किया, बहुत सारी गलतियां तुम्हारी नजरअंदाज करता आया हूं मैं आज तक। बाबा जहान के सामने हमेशा तुम्हें डिफेंड किया, पता है तुम इस काबिल ही नहीं थी। हाँ, ठीक कह रहे हो, मैं काबिल नहीं थी, काबिल तो सिर्फ वो तुम्हारी चहेती भाभी है ना। Shut up and get lost. लिख लो। शही, तुमने मुझे 10,000 बातें सुनाई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक लफ्ज बोला तुम्हारी भाभी के खिलाफ ना, बुरा लगा तुम। इस बात से साफ साबित होता है कि ताहे अब्बू का शक दुरुस्त था, मैं बुरी लगने लग गई थी, इसीलिए तुमने शादी से भी इनकार कर दिया। नूरी बस बस बहुत हो गया, जाओ यहां से। मैं तो जा रही, कर लेना फिर तुम हानिया से शादी। अजर भाई तो तलाक दे ही देंगे उसे। नूरी, thank you.
वाकई अम्मी, ताया जी ने खुद कहा आपसे? हाँ हाँ, तो कसम ले ले, मैंने तो बात भी नहीं छेड़ी। खुद ही कहते बस चार दिन सब्र कर लो, उसके बाद नूरी और नाजी दोनों को मैं बहू बनाकर ले जाऊंगा। अल्लाह की कसम अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी माँ ने अपना वादा पूरा कर लिया है नाजी। अम्मी आप भी बहुत अच्छी है, जानते हैं। इसे क्या हुआ है? तो ये चक्कर था, नाजी आजुर के इश्क में मरी जा रही थी, मगर ऐसी भी क्या मोहब्बत कि दूसरी बहू बनने को तैयार हो गई। लेकिन ताया जी का क्या दिमाग खराब हुआ है जो इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी बहू छोड़कर इस नीसनी बदअकल नाजी को बहू बनाने जा रहे? क्या पता ये इन लोगों की खुशफहमी हो, बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। आजुर वाला क्यों करेगा बीवी के होते हुए दूसरी शादी? उसका भी अलग ही किस्सा है, दो दिन पहले लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। पता तो लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है इस घर में। शुक्र है मेरी बच्ची घर आ गई, मैं तकिया सही करती हूँ। चलो हाँ जी, यहाँ बैठाओ। इसे अब कुछ खाने तो देते हैं, कब से ड्रिप पे है। डॉक्टर ने कहा इसकी डाइट पे असर करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ खाने के लिए लेके आती। बेटा वो मैंने जन्नत बीबी से यखनी बनवाई है, पहले वो ला दो फिर हानिया खाना खा लेगी। ठीक है मैं लाती हूँ। मैंने सब चीजें अपनी बेटी की पसंद की बनवाई हैं। बेटा अब तो तबीयत बेहतर है ना? डॉक्टर का इसे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना, जितनी डाइट अच्छी रखेगी जितना कम स्ट्रेस लेगी उतनी जल्दी शील भी फाइन। हाँ बेटा मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, और जब तक ये मुकम्मल से एहतियाब नहीं हो जाएगी ना मैं इसे घर नहीं जाने दूंगी। काश मैं आपको बताने की हिम्मत कर सकूं मम्मी कि अब वो घर मेरा नहीं है। अगर आज़र से बात हो गई तो वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात करेगा भाई से, मम्मी को भी पता चल जाएगा और वो तो पहले ही परेशान है। वो आज़र को कॉल की तुमने, पूछा उससे कि उन्होंने हानिया को इस हाल में अकेले क्यों भेज दिया? मैंने कॉल की थी मामा, उसका फोन ऑफ था। तो भाई साहब को कॉल करो। मैं करता हूं। हानिया लाइट ऑफ कर दें या ठीक है? नहीं नहीं, ये पहले खाना खा ले फिर मैं खुद से लाऊंगी अपनी बेटी को। तुम जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं बैठी हूँ हानिया के पास। हानिया जानी बेटा जो भी खाने का दिल हो मुझे बताना, मैं वही बनवाऊंगी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम अपना। मुझे पता है तुम खाना ठीक से नहीं खाती होगी वहां। वास्ते रोना बंद कर, बता तो सही हुआ क्या है बेटा? अम्मी शहीद ने मुझे बहुत जलील किया है, मैं उसके सामने रोई, मैंने माफिया मांगी, मैं गिड़गिड़ाई, मगर उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जब मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कोई भी और सजा दे दो मगर मुझसे नाराज ना, तो उसने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे से ही निकाल। उस गुन्नी मीसनी हानिया का कसूर है, किस तरह बच्चे का दिमाग ही फेरती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हानिया की वजह से हुआ है।
शहीर तो हानिया के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। बार बार कहे जा रहा था कि तुमने झूठ बोला है, तुमने हानिया भाभी पे इल्जाम लगाया है। उसने मुझसे कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुरी, मुझे तो लगता है कि हानिया ने कोई तावीज पानी में घोलकर उसको पिला दिया है, इसलिए तो उसके खिलाफ कुछ बात बर्दाश्त नहीं कर रहा। अम्मी, तो फिर आप तक मुझे भी कोई ऐसा तावीज ला दें, मैं शहीर को पिला दूंगी ताकि उसे हानिया से नफरत हो जाए। अम्मी, शहीर तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, मेरी हर बात मानता था वो, अब तो उसे मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई है। फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। कुछ तो जल्दी कुछ करे, ऐसा ना हो हानिया तो चली जाए अपने साथ, अपने साथ शहीर को ले गई तो। ऐसा नहीं होगा, तू सही कह रही है नूरी, मैं जल्दी कुछ करूंगी। कुछ तो हुआ है वहां पे, कोई बात तो है जो हानिया हमें बताना नहीं चाह रही। आपने कुछ पूछा उससे? नहीं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो उसे कुछ तो कहना चाहिए था ना, वो तो बिल्कुल खामोश थी और दूसरी तरफ भी बिल्कुल खामोशी। यानी कल रात से वो घर से निकली हुई है, किसी ने कॉल करके पूछा तक नहीं। और उससे भी ज्यादा तश्वीशनाक बात यह है कि खाली हाथ आई है, बिल्कुल ना पर्स है ना मोबाइल है, इवन बाहर रिक्शे के पैसे भी खान बाबा ने दिए। अब तो मुझे भी शक हो रहा है मामा।